बेनिफिट ही बेनिफिट चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, और ऐसी चीज़ें चाहिए जो रिजल्ट भी बहुत तगड़े दें, बहुत ज़्यादा जल्दी दें, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दें। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट प्रोपनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन प्रोपनेट के बारे में, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा थे। तो वीडियो एंड तक देखनी है, बगैर स्किप किए हुए इन्फॉर्मेशन मैं आपको ए टू जेड दे दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मुझे DM कर सकते हैं जॉनी किंग अल्फा इंस्टाग्राम ID पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपनेट की। आपको मेन चीज़ मैं बता दूँ तो टेस्टोस्टेरोन ही मेल लाइक करेक्टर जो है हमारी बॉडी में देता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है और वही हमारे मेल लाइक करेक्टर्स जो भी हैं वो उस पर ही डिपेंड करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मर्द की मर्दानगी जो है टेस्टोस्टेरोन से ही है ना। जैसे अब अगर हम बॉडी बिल्डिंग में बात करें तो मसल बिल्डिंग में भी टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं टेस्ट प्रोपनेट के बारे में बात, तो उसके बारे में बता दूं, ये सिंगल एस्टर है और शॉर्ट एस्टर जिसको कहते हैं ना, लॉन्ग एस्टर होते हैं शॉर्ट एस्टर, तो फास्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एस्टर है। अब एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये चीज़ें जो ये टेस्टोस्टेरोन डिटैच होते हैं एस्टर से, जो एस्टर के साथ बाइंड होते हैं, ये आपको पता है, डिटैच होंगे, जितनी जल्दी डिटैच होंगे या एस्टर अगर मौजूद ना हो वो जल्दी एक्ट करते हैं, उतना ही जल्दी एक्ट करेंगे, उतना ही जल्दी रिजल्ट भी देते हैं वो। ठीक है, पर यहाँ पे हम बात करें टेस्ट प्रोपनेट की, तो वो है शॉर्ट एक्टिंग एस्टर जो कि जल्दी एक्ट करेगा और सिंगल एस्टर ही है ये। अब टेस्ट प्रोपनेट की आगे की मैं थोड़ी बातें बताऊँ तो ये है बेसिकली पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, मसल वेस्टिंग की जिनको प्रॉब्लम हो। और एक और चीज़ है, ये बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया, एथलीट्स कैसे यूज़ कर क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। मेनली जो टेस्ट एनर्जेट से देखा गया है बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि टेस्ट एनर्जेट से वाटर रिटेंशन भी बढ़ने लग पड़ती है। तो टेस्ट प्रोपनेट एक सोल्यूशन सा उन्होंने ढूंढ के रखा है कि चलो टेस्ट प्रोपनेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मसल बिल्डिंग के बेनिफिट मिलेंगे, वाटर रिटेंशन नहीं होगी। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ऐसी साइंस भी है, कुछ ऐसी मतलब स्टडीज़ भी हैं जो कहती हैं कि नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, आप जो भी यूज़ करें। पर नहीं, अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, जैसे खुद यूज़ किए या खुद लोगों को अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड लड़के जो पर्सनल ट्रेनिंग से उनको यूज़ करवाया, तो उस हिसाब से बताऊँ तो सीरियसली ये काम करता, वाटर रिटेंशन भी नहीं करता। तो टेस्ट प्रोपनेट ज़्यादा बढ़िया सॉल्ट मुझे लगा, ज़्यादा बढ़िया इसके बेनिफिट लगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी मैं साइड इफ़ेक्ट भी आपको बता देता हूँ। टेस्ट प्रोपनेट जो है आप हफ्ते में जो है इसकी जो डोज है वो 200 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और जो अगर आपने टेस्ट प्रोपनेट अकेला चलाना है, ठीक है, अगर आपने कुछ एडवांस चीज़ें ऐड करनी है तो वो शुरुआत में ना ऐड की जाए। अगर इसको अकेला चलाना है तो अकेला भी चलाया जा सकता है, 6 वीक 8 वीक की साइकिल इसकी चलाई जा सकती है सेफ साइड में, ठीक है। पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो उसके लिए भी PCT आपको ज़रूरी है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, ये IGF फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो 1 है उसको इंक्रीज़ करता है, उसके आउटकम को इंक्रीज़ करता है। प्रोटीन जो है बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगा, आप जानते हैं मसल बिल्डिंग ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ज़्यादा मसल जो है पैक कर पाओगे, रेड ब्लड सेल का काउंट भी बढ़ाता है, स्टैमिना वगैरह आपका ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड रह के ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे। तो ये सारे तो इसके बेनिफिट मिलेंगे, मसल साइज़ गेन करने में भी, वाटर रिटेंशन नहीं होगी। अब ये इसके बेनिफिट के साथ साथ कुछ आपको सीरियस पॉइंट है जो नोट करने हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। कई कहते हैं कि नहीं नॉर्मल बेस है, नॉर्मल सॉल्ट है तो ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खतरे की बात नहीं है, पर नहीं, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को भी ख़राब करता है, मतलब कि LDL को इंक्रीज़ करेगा और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको डाउन करता है। कहने का मतलब है हमारे हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो होने का खतरा हो सकता है अगर हम लंबी लंबी साइकिल्स या कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करते रहे, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ होती है वो इनफर्टिलिटी की, जो लड़के PCT वगैरह को सोचते हैं कि जाने दो यार कोई चक्कर नहीं, PCT नहीं कि कौन देख रहा है, देखना क्या भाई, आप अपनी बॉडी के साथ नुकसान कर रहे हैं। तो PCT ज़रूर करें क्योंकि इनफर्टिलिटी का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होगी या टेस्टोस्टेरोन शटडाउन होगा तो आप खुद ही समझ लीजिए PCT का वहाँ पे रोल बनता है ना। अगर आप वहाँ पे निगलेक्ट करोगे, नहीं छोड़ो, इग्नोर कर दिया, नहीं मैं नहीं यूज़ करूँगा, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है, इनफर्टिलिटी परमानेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये दो खतरे हैं। अब उसके बाद है कुछ ओवरडोज के साथ, ये भी हालांकि ओवरडोज के साथ है पर ये तो शुरुआती है ना कि टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होगी, ऐसी चीज़ें। उसके बाद इंसोम्निया, मतलब कि नींद वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हाई BP की भी प्रॉब्लम हो सकती है कंटिन्यूस यूज़ के साथ,
ठीक है, एक्ने पिंपल वगैरह की, तो वो तो नॉर्मल है, आप सब जानते हैं इन चीज़ों से जो है थोड़े साइड इफेक्ट तो होते हैं ना, वो तो नॉर्मल चीज़ें होंगी, पर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हैं इसके। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये जो है एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट भी हैं, कहने का मतलब है अगर लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो वहाँ पर आपको जो है गायनो वगैरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, उसके उससे बचने के लिए भी पीसीटी इसीलिए ज़रूरी है। ये सारे हो गए, लीवर वगैरह को ज़्यादा खतरा नहीं है इसके साथ, है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैक करेंगे तो फिर आपको लीवर टॉनिक्स वगैरह में भी मतलब लीवर टॉनिक्स भी साथ में चलानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी होगी इसकी, कैसे यूज़ करना है, क्या डोज रहेगी, आप 6 वीक 8 वीक तक इसको यूज़ कर सकते हैं, पर भाई अपना कोच कोई रखें ज़रूर, उससे कंसल्ट करते रहें तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, और डॉक्टर की सलाह से ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए उनसे गाइडेंस में ही, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ये तो हो गया टेस्ट प्रॉपर, इसके साथ कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ट्रेन एसीटेट वगैरह भी साथ में चलाते हैं, अगर आपने कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करनी है, बढ़िया कोई स्टेज, या पहले ही आप बढ़िया मतलब कि एक मतलब अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में आप पहले भी खेल चुके हैं, मेच्योर मस्कुलर बॉडी बिल्डर हैं, तो ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, हाँ सिंपल सी है, पर जो कहें कि हमें साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम जानते हैं ट्रेन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती है, तो उन चीज़ों से बचना, हालांकि कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसके साथ ऐड की जा सकती हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए टेस्ट प्रोपोनेंट अलोन भी चलाया जा सकता है। उसकी साइकिल क्या रहेगी, उसकी डोज क्या रहेगी, वो मैंने बता दिया आपको। तो एंड्रोजेनिक एनाबोलिक जो है ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि आपको बेनिफिट भी होंगे और साइड इफ़ेक्ट भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका हो गया टेस्ट प्रोपोनेंट का, वाटर होल्ड नहीं करेगी, बढ़िया बेनिफिट आपको देगी, मसल साइज गेन करने में भी इसकी बेनिफिट मिलेंगे, पर पीसीटी ज़रूरी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है जॉनी किंग अल्फा, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।